सिद्धार्थनगर जिले की पुलिस एसओजी और सर्विलांस टीम को मिली बड़ी सफलता, रूट डायवर्जन का मिला लाभ। चार गांजा तस्करों के पास से 33 किलोग्राम गांजा पुलिस ने पकड़ा। तस्कर बिहार से खरीदते थे गांजा, स्कॉर्पियो में रखकर स्कूटी की मदद से शहरों में भेजते थे। पकड़े गए चारों तस्कर में एक गोंडा व कुशीनगर जिले के निवासी और दो चंपारण बिहार राज्य के निवासी। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बांसी डुमरियागंज मार्ग से चारों को किया गिरफ्तार। खबर जगत के लिए सिद्धार्थनगर से बजरंगी प्रसाद चौधरी की रिपोर्ट। जी टीम और थाना बांसी द्वारा एक बहुत अच्छा कार्य किया गया है। टीम ने चार अंतरराज्यीय तस्करों को पकड़ा गया है जो गांजा, चरस और स्मैक बेचते हैं। ये सभी लोग उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से गांजा, चरस और स्मैक खरीदते हैं और फिर कुशीनगर से लेकर लखनऊ तक पड़ने वाले जो जितने भी जनपद हैं बीच में, वहाँ पे ये सभी मादक पदार्थों की बिक्री करते हैं। जो चार लोग इसमें गिरफ्तार हुए हैं उनका नाम है आलमगीर शेख, काशीनाथ गिरी, चंदन यादव और पूरन यादव। इनमें से एक गोंडा का, एक कुशीनगर का और बाकी दो बिहार के रहने वाले हैं। बरामदगी के रूप में 33 किलोग्राम गांजा, एक स्कॉर्पियो गाड़ी जिससे ये लोग बेचने का काम किया करते थे, एक स्कूटी, मोबाइल फोन और कुछ नकद भी बरामद हुआ है। इन सभी अभियुक्तों के विरुद्ध अन्य राज्यों में भी कई मुकदमे दर्ज हैं। इनके आपराधिक हिस्ट्री का जो है पता लगाया जा रहा है और इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।